आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। जबलपुर में प्राचीन ऐतिहासिक संग्राम सागर बजना मठगड़ा में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से 3.58 करोड़ से खूबसूरत उद्यान का निर्माण किया गया था। इस उद्यान में प्रवेश करने के दो द्वार हैं जो पूरे समय खुले रहते हैं। द्वार में काउ कैचर और रोटरी गेट के अभाव में प्रतिदिन सैकड़ों गाय बैल के द्वारा उद्यान की खूबसूरती खत्म होती सी नजर आ रही है। जानवर अंदर घुस जाते हैं, फलस्वरूप पेड़ पौधे और विद्युत उपकरण क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, जिससे निर्माण हुआ वो उद्यान क्षतिग्रस्त हो रहा है। एक गार्ड है जो उपयुक्त नहीं है, जिससे देखभाल और रखरखाव की व्यवस्था नहीं हो पाती, जिससे पार्क को क्षतिग्रस्त हो रहा है। गेट के साथ रोटरी गेट भी लगाए जाएं, जिससे आम जन आ सके और पशुओं का आना प्रतिबंधित हो सके। ये चिल्ड्रन पार्क बनाया गया है जिसमें कम से कम करोड़ों रुपए लगे हैं, लेकिन इसे कोई देखभाल नहीं करने वाला और ये पूरी तरह से नुकसान देख रहे हैं। आप किस तरह से हो रहा है, मतलब 15 से 20 गाय जानवर यहाँ घुसे हुए हैं, मैं इनको भगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ यहाँ पर गार्ड उपलब्ध कराया जाए। ये जबलपुर बाज नामट के पास संग्राम सागर पास ये स्मार्ट सिटी का गार्डन है, जहाँ पे आप देख रहे हैं इतनी सारी गाय घुसी हैं और कोई भी गार्ड नहीं है यहाँ पे। और दो साइड से गेट दिया गया है लेकिन कोई भी गार्ड कैरी नहीं कर रहा है, जिस कारण यहाँ पूरा नुकसान हो रहा है। मतलब करोड़ों रुपए की जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, प्लीज़ इसका केयर करें जल्दी से जल्दी। देखिए हम यहाँ पे हैं जहाँ पर ये जगह है, ये बाज नामट है संग्राम सागर, और ये जो पार्क बनाया गया चिल्ड्रन पार्क स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है जो लगभग 3.5 करोड़ रुपए का बनाया गया है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे दो साइड गेट है लेकिन कोई भी गार्ड नहीं है। और क्या भैया दिक्कत है? एक गार्ड है, गार्ड और है। दिक्कत ये है कि दो बड़े बड़े गेट लगाए गए हैं, वो गेट अच्छे हैं, लेकिन वो गेट ऐसा है कि एक भी रोटरी गेट नहीं है, उसके अलावा एक रोटेशन वाला जिसमें कि हम लोग व्यक्ति कोई निकल सके, ऐसा कोई गेट होना चाहिए जिससे जानवर अंदर ना घुसे, जानवर ना। इसके कारण दिक्कत ये हुई है कि आए दूसरे दिन, पहले दिन दूसरे दिन जानवर खूब सारे घुस जाते हैं और यहाँ पर जो प्लांट्स हैं उनको नुकसान पहुँचाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है और गार्ड भी सिर्फ सिंगल है क्योंकि पर्याप्त नहीं है। ये दोनों चीज़ों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।